लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या था टैंक डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीटली एनी डाउट डिफरेंशियल इक्वेशन एनी डाउट होमोजेनियस फॉर्म क्लियर है तो आज हम लोग करेंगे नया चैप्टर एक होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस फिर से बता दूँ यस मैम होमोजेनियस था एक यूनस था ठीक है यूनस को आपको समझ में आया कैसे करना है यूलस का एप्लीकेशन नहीं यूलस रूल ये कहता है कि आपका जो भी फंक्शन अगर होमोजेनियस है तो उस होमोजेनियस फंक्शन में अगर एन एन डिग्री का आपका होमोजेनियस एन एन डिग्री इक्वेशन है तो यूलस थ्योरम क्या अप्लाई करते हैं यूलस थ्योरम से हम ये अप्लाई करते हैं अगर एन एन डिग्री का कोई फंक्शन है तो हम वहाँ पे लिखते हैं एक्स डेल यू बाई डेल एक्स y del u by del y का फंक्शन है हमारा मल्टीपल आता है ये कितना आता है n into u के बराबर हो जाता है अगर फंक्शन मेरा n डिग्री का दिया है तो ठीक है तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कभी प्रूफ करने के लिए पूछता है एज अ स्टेटमेंट थ्योरम बहुत कम पूछता है प्रॉब्लम ज्यादा पूछते हैं तो एक प्रॉब्लम इस पे देखते हैं हम लोग जैसे ये क्वेश्चन है आई थिंक बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा 3x2yz 5xyz 4z4 ठीक है और ये कहता है फिर सो डैट सो डैट x डेल u बाय डेल x y डेल u बाय डेल y एंड z डेल u बाय डेल z इज इक्वल टू 4 टाइम्स u तो ये हमें दिखाना है कि ये इतना होगा यानी प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करने बोलिए बोर्ड इज नॉट विजिबल ओके वेट अभी विजिबल है ओके एक्चुअली वी हैव डन दिस क्वेश्चन अर्लियर ओके बट समवन वांट टू डू वंस अगेन दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस वन सो राइट द सॉल्यूशन पार्ट सो गिवन इक्वेशन इज यू सो यू आर एट व्हाट 3x स्क्वायर y z 5xy स्क्वायर z And then we have 4z to the power of 4. This one. Okay. So put this as equation number 1. Put this as equation number 1. Then what we do? We are going to differentiate partially because this one is a what? Symbol of partial differentiation. And if you have d, then it is a differentiation, a simple differentiation. So why differentiating partially? We do the differentiation with the respective term. If we are going for the x, then only we do the differentiation with respect to x and the rest all the functions, either it is y, z or whatever, all becomes constant and we get 0. So, now, differentiating partially, 1 partially, okay, with respect to x. So, what we get here? We are having del u by अगर नहीं दिख रहा है इधर आता तो व्हाट वी हैव डेल यू बाय डेल एक्स तो व्हाट वी गेट डेल यू बाय डेल एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन 6x ओके देन y इनटू z बिकॉज़ y इनटू z इज कांस्टेंट सो वी राइट y z एज इट इज देन नेक्स्ट इज x सो ऑल दीस फंक्शंस 5 y स्क्वायर इज z आर लाइक कांस्टेंट फंक्शंस सो वी विल राइट 5 y स्क्वायर z एंड डू द डिफरेंशिएशन ऑफ ओनली दिस पार्ट दैट इज x सो वी आर हैविंग 1 here And here no function of x, so this will become 0. Again, we do the multiplication of x with this function. So therefore, x into del u by del x. So what we have? We have x 6x squared y z, then 5xy squared z, and then plus x. So this is the equation. Okay. So on a similar way, we can again differentiate. One partially with respect to y and then with respect to z. So do this one. We have del u by del y.
Now, while differentiating with respect to y, what we have? This much. So, 3x squared and this z are treated like a constant function. So, now I am writing here 3x squared z. And then the differentiation of y becomes 1. So, I am writing here 1. Then plus. Next is what? 5xy squared z. What we will write? Only 10x y over? No, y over. Y cancel you. Y के पास क्या भी इतना है ना एक आगे आ गया ऊपर इधर से वन y अदर नेक्स्ट वी हैव z तो बिकम जीरो अगेन मल्टीप्लाई विद द y वी हैव डेल्यू बाय डेल y एंड दिस विल बिकम 3x स्क्वायर y z एंड देन 10x y स्क्वायर z व्हिच नंबर 2 अगेन वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ what डेल्यू बाय डेल z सो अगेन वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियल Now differentiating one partially with respect to z. So now while differentiating with respect to z, what we have here? We have del u by del z. And what del u by del z is? From here we have 3x squared y. Next we have 5xy squared. 3x squared y, 5xy squared. And then plus. From the third term we have 16z cube. 16z. Then 16z. So again we have to multiply with this what? Z. Z. So multiply with this, we are having this one. And 3x squared y z, 5xy squared z, and then plus 16z to the power. Clear now? Yes, sir. Next, what we have to find? Now we take the left hand side. Or either you write now x del u by del x, y del u by del y plus z del u by del z equal to, and we are going to put all these values here. Now, जिसकी वैल्यू को भी ध्यान में रखना है. Now, this much, okay? Or you can say left hand side. Putting the values here. So what we have x divided by 6 x squared y z plus 5 x y squared z. Okay. And next we have this much. 3 x squared y z. From here we have 3 x squared y z plus 10 x y squared z. Then plus 3x squared y z and then 5xy squared z and then plus 16z. Do the combination. Do the combination. सभी को add करेंगे एक जगह पे और देखेंगे फिर हमें क्या मिलता है. Do the addition of the similar one. X squared y z. X squared y z. X square y z. This is 6, 9, 12, x square y z. X square y z. Then plus. Next is x y square z. 20. X y square z. X y square z. So 5 to 15, 5 to 20. 20 x y square z. And then we have z function 16 z to the power. What we will take up? Common. Okay. And we take a common 4. So what we have 3x squared y z, 5xy squared z, and then plus 4z. Is that this value is equal to the given function u? Yes. So we will write here 4 times u, and then plus right hand side. In this way, we can solve this question. Okay, then you are getting only 6 by 6. एक भी step mistake करेंगे, कहीं पे कुछ छोड़ देंगे, आपका तो mistake marking हो जाएगा. Next, we have the homogeneous equation we question. देखिए homogeneous आप वहीं पे apply करेगा जहाँ पे आपका function inverse में दिया है. अगर inverse का नहीं है, then no need to go with the homogeneous. आप directly ऐसे कर सकते हैं. Next question, if we equal to write an equation.
इज इक्वल टू x cube plus y cube by x minus y, then so that x del v by del x, okay, y del v by del y sine 2v. Here the function is given in terms of v. Okay, so how can we solve this one? First we take this in the homogeneous. Okay, now write in the homogeneous. Now v equal to tan inverse x cube plus y cube divided by x minus y. So whenever you have y inverse, you just put in the trigonometric form like this. Tan v equal to x cube plus y cube divided by x minus y. Or you can write first we'll take the common number, then we will write it. Q x 1 minus y x. So getting this one 2. Now we have to x square 1 plus y by x whole cube and then divided by 1 minus y by x. And let this be u. अगर u में था तो v मानते हैं, v में दिया है तो u मानते हैं, ठीक है? So that we can proceed. So what we will write here, u is a homogeneous function of degree 2. Therefore, by u का सिर्फ क्या लिख सकते हैं? तो add करेंगे हमको. Here, u is a homogeneous function of degree 2. अगर degree 2 है तो फिर क्या लिख सकते हैं? Therefore, by U's theorem, what do you write by the U's theorem? By Euler's theorem. Ma'am. Yes. ये वाला step कैसे हुआ? यहाँ ऊपर में. देखो tan inverse था. Tan inverse को निकाल रखे. यहाँ से x cube को common लिया. तो x cube बाहर गया तो यहाँ पे 1 बचा. ये x कहाँ जाएगा? नीचे. तो y by x का power cube. क्योंकि cube है और ये भी cube आएगा तो हमने सोच लिया y by x will become 2. Similarly in the denominator I have taken the x outside. So this will become 1 and then y by x. Cut it down the x. So this one is very important. If you have a degree, then you can write directly the u what you also. Okay, so the objective question, this type of question will ask. So what we have write in Euler's theorem? What we have? If it is of degree 2, then what we will write? How much variable? X and y ki variable there, na? X way, y way. So what we will write here? X, then u by del x. Y when u by del y equal to what? X. Still equal to 2 times u. But what is u? Tan v. Tan v. So later we will use this one. But first we will find the value of del u by del x. From here, from u equal to tan v. So u is what? Tan v. Look at that some equation. So 2. This one. So find the value of del x. What is the value of del x? So I am differentiating partially with respect to x. So what we have partially with respect to x, del u by del x. Okay. And what we get in the right hand side? What is the differentiation of tan v?
tan b 6 square x square so ready hai 6 square b then function of function function of function so what about the differentiation of v del v by x del v by x so you always remember पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और y तो हमने जीरो रखा बट यहां पे जो डिफरेंशिएशन कर रहे तो v का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है क्यों क्योंकि u v इज अ फंक्शन ऑफ x y व्हाइल u इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x y एंड x एंड y इज अ वेरिएबल तो जब x और y के रिस्पेक्ट में कर रहे तो x और y को ही डिफरेंशिएट करना है बट जब यू और वी को कर रहे बट यू आर ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई वी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो दोनों के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनका भी डिफरेंशिएशन होगा ओके फंक्शन ऑफ फंक्शन दो फंक्शन हो गए ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया एक अलजेब्रिक हो क्लियर है तो दिस नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय x तो देयरफॉर x into del v by del x क्या मिलेगा 6 square v x del v by del x this much so in a similar way what we have to do next we have to find del u by del y so next we differentiate del u by del y ma'am wo kyun dono differentiate kyun kar se kar rahe ki maan jaise ki v ko fir se kyun I'll explain x is a function na so we cannot write x in terms of u and v but we always write v in terms of x and u u in terms of x and y so jab bhi v ko differentiate karenge to v bina kyunki partial differentiate ke function x bhi hota hai function y bhi isme rehta hai isliye jab humne yahan pe differentiate kiya v ko to v is a function of what x and y That is why I have differentiated v also with respect to x. और इसीलिए v को जब किया तो into del v by del x. Function of function. पढ़ा होगा आपको बोलते हैं स्वयं. Yes. That I have used. And similarly find del v by del y. What is the del v by del y? Next. Find del v by del y first. So del u by del y. What is del u by del y? What is del u by del y? From here, again 6 square b. From this one, this is 6 square. What we get? Del v by del y. And again we have to what? Multiplying by y. So therefore, y into del u by del y is 6 square b y del v by Then what? So put this as equation number 3. This is equation number 4. So what next we have to find? We have to find the value of what? X del v by del x plus y del v by del y equal to some sine 2. Na? So what we do here? क्या करेंगे? Addition. Yes, do the addition. Now adding 3 and 2. Now adding 3 and 4. So while adding 3 and 4, what we have in the left hand side? Del u by del x, del u by del y equal. In the right hand side, 6 square b is common. Yes. Then we are having x del v by del x. And y del v by del y. Yes. Same one, na? Wait. Bell hoga uski baat karenge. ठीक है? तो अभी हमारा क्या हो गया? What this value is? क्या है ये? 2u. 2u. क्या था जी? ये value 2u था. मैं sin 2u लिखी. प्रूफ नहीं करना है हमें प्रूफ जो करना है वो नहीं देना है हमें
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वॉच? इसकी वैल्यू हम लोगों ने कहीं पे निकाला है इसके पहले? दिस वाला? यस मैम, दिस टू यू. यू की वैल्यू पुट करनी होगी टू यू. तो दिस इज लाइक स्क्वायर वी देन एक्स डेल वी बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल वी बाय डेल वी. कहां से आ गया? तो कोएफिशिएंट ऑफ टू से. Now next we have to put the value of u. U क्या था? Sin? No. Tan? Tan. Tan. Next we put the value of u. So this applies 2 times tan b equal to 6 square b and then we have x del b by del x y del b by del x. Now do the subtraction. This implies x del v by del x, y del v by del y is 2 tan b divided by 6 square b. So the calculation, what you get here? So this is what? What you get here? We are having sin b cos b cos square b. Cos 2 into yes. Sin b into cos 2 sin b cos 3 and this much is sin 2 b which we are looking for. Yes. So, our value yahan pe nikal gaya. So, I write directly x del v by del x y del v by del y equal to sin 2 b. And I okay. So, whenever you have an inverse function, you just apply this. क्योंकि इन्वर्स होगा डायरेक्टली नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं आप जाके फिर बाद में फंस जाओ. और ये क्वेश्चन 7 से 8 नंबर के लिए एग्जाम में जरूर पूछता है. सो नेक्स्ट वी हैव अ टैंजेंट एंड नॉर्मल. कितना टाइम बचा है? तो बहुत पढ़ाई हो गया अभी, वो इंट्रोडक्शन कर ले आपस में फेस टू फेस. गर्ल्स are multiple girls? कितने लोग हो? So any doubt in the second chapter? In this chapter? No. So shall we move for the third chapter? Okay? That is tangent and normal. Okay, so tell me what is tangent. All those who are online, so tell me what is tangent. What do you mean by tangent? Tangent पढ़ा है आपने class 12 में. So just tell me what we mean by the tangent. Okay. Girls, tell me what is tangent. नहीं बोलेंगी? या बोले? हम tangents inclination भी हो सकते, slope हो सकते हैं. और या फिर टैंजेंट यदि सर्कल से रिलेट किए तो एक सर्कल में एक पॉइंट से जब लाइन क्रॉस कर रहा है उसको टैंजेंट बोलते हैं. तो इन जनरल डेफिनेशन में वी आस्किंग फॉर द टैंजेंट, दैट मींस अ पॉइंट विच टच अ कर्व इन अ सिंगल पॉइंट. अ पॉइंट विच टच द कर्व इन अ सिंगल पॉइंट, दिस लाइन इज नोन एज अ टैंजेंट. दिस इज द डेफिनेशन. ओके, इफ आई एम आस्किंग फॉर द व्हाट इज स्लोप, देन यू से कि डिवाइड बाय dx. So this is the tangent. So tangent के equation आप लोगों ने क्या पढ़ा है? Y minus y1 divide by dx and then x minus a square. But ये आया कहाँ से? सोचा था class 11 में 12 में. Miss बताई, याद किया, रट लिया. भैया ये तो formula होता है ना. अभी हम देखेंगे कहाँ से याद है. ठीक है? तो एक कर्व पहले ड्रॉ करते हैं, उस कर्व के अकॉर्डिंग हम लोग टैंजेंट निकालते हैं. गर्ल्स आप लोगों को दिख रहा है क्लियर? नहीं दिखेगा तो बोलिएगा, कैमरा क्लोज करेंगे. You have a curve, here a point, I have a tangent, this tangent meet the x-axis at some point, okay, and then this is known as your tangent. This is your x-axis, this is your y-axis.
From this tangent, I have drawn a line which crosses this point, say P, and this is Q. Say P is xy, then this is x plus del x, y plus del y. देखो हम क्या कह रहे कि अगर मेरे पास कोई कर्व है और कर्व में ये मेरा टैंजेंट है ऐसे, ठीक है, तो इस टैंजेंट पे कोई जरूरी नहीं कहीं से भी तो कोई लाइन क्रॉस कर सकता है, तो एक लाइन हमने क्रॉस कराया ऐसे कर्व, तो अगर ये लाइन क्रॉस करके आगे मूव करा तो यहाँ पे कोई पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि ये जो मेरा डिस्टेंस है ये कर्व ये कोण बना ये कोण बना मेरा, तो यहाँ से जो ये P से Q का डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल होता है, वेरी नेग्लिजिबल, तो हम लोग इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये क्या है मेरा डेल एक्स, क्यों, अगर P मेरा x और y है तो यहाँ से जो इसके डिस्टेंस है इसको हमने x लिया है इधर इस तरह से इसको x लिया है, तो यहाँ से इसके डिस्टेंस x है तो हम मान लेंगे कि यहाँ से जो यहाँ तक गया मतलब यहाँ से जो यहाँ तक ये सीधा नहीं होगा थोड़ा तिरछा होगा थोड़ा ऐसे तिरछा होगा, तो यहाँ तक ये जो पॉइंट मूव कराया तो इसके जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डिस्टेंस है और ये बहुत डेल एक्स है, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं x plus del x and y plus del y, कि x के अकॉर्डिंग जो मेरा होगा वो x plus del x है, because there is a small change in the point P, I have taken the del x, and a small change in the vertical axis, that is your del y, so the point P becomes x plus del x, y plus del y, so this is the P. तो फिगर का डिस्क्रिप्शन पहले देते हैं, लेट ओ बी दी ओरिजिन, लेट ओ बी दी ओरिजिन एंड ओ एक्स एंड ओ आर बी द x axis and y axis respectively. Y axis respectively. ठीक है? Here the point P xy. Here the point P xy. Makes a tangent. At P, that means a straight line, इसका मतलब क्या होगा कि straight line, which is the limiting position, that means this straight line is a limiting position, a straight line is a limiting position to which the secant PQ, देखो ये जो PQ ये डिस्टेंस है ना ये PQ, इसको तो secant कहते हैं, secant का मतलब हो गया एक छोटा सा कटा वो पार्ट, secant PQ tends Q to P, मतलब Q को P की तरफ टेंड करते हैं तो हमें ये secant हमें मिल जाएगा, to P traveling along the curve, and let the coordinates of the point P be x, y, and let the coordinate of the point P be x, y, and Q be x plus del x, comma y plus del y, x plus del x, comma y plus del y, okay, तभी क्लास है होगा, the coordinates of P be x, y, and the coordinates of Q be x plus del x and y plus del y. Okay. So next part we'll continue in the next class. Okay. Girls, you all switch off.